दोस्तों, जो हमारे ये पितृरोष का वीडियो है, ये वीडियो मैं आपको चैलेंज देता हूँ, यूट्यूब पे आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा, इतनी डिटेल से वीडियो नहीं मिलेगा। मैंने ये वीडियो इतनी डिटेल से बनाया है और इतना लंबा हुआ है कि मुझे उसको दो पार्ट में बनाना पड़ रहा है। तो यहाँ मेरा जो वीडियो आएगा पार्ट वन पार्ट टू में आएगा। आप डायरेक्ट पार्ट टू में मत चला जाना, नहीं तो आगे का आपको समझ में नहीं आएगा। तो दोनों पार्ट आपको कंप्लीटली आप देखोगे तभी पितृदोष के बारे में आप समझ पाओगे। दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, मैं चेतन गोस्वामी, 3D एनर्जी सॉल्यूशन और वेदास वर्सेस साइंस यूट्यूब चैनल के अंदर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये लग्न कुंडली है, समझ लीजिए कि यहाँ कोई भी है, तुला राशि है 8, ये राशि मैं लिख रहा हूँ, अभी मैं राशि लिख रहा हूँ, ये बीच में जो लिख रहा हूँ वो राशि लिख रहा हूँ मैं। ये 11वीं राशि है, ये कुंभ राशि है, लेकिन मेरा हाउस कौन सा है? अगर मैं उसका हाउस देखे जाऊंगा तो मेरा जो हाउस है वो ये 5th हाउस है, ये मेरा 5वां हाउस है, लेकिन राशि मेरी कौन सी है? जो राशि है वो राशि मेरी कुंभ राशि है। यहाँ पे अभी कौन कौन से प्लैनेट उसको डिस्टर्ब कर सकते हैं? तो यहाँ क्रूर प्लैनेट, देखो क्रूर प्लैनेट का मतलब है कोई नेगेटिव प्लैनेट नहीं, कोई खराब प्लैनेट नहीं। आप ऐसा मत समझना मेरा शब्द क्रूर है तो वो खराब होंगे या वो नेगेटिव प्लैनेट होंगे या राक्षस, ऐसा कुछ भी नहीं। क्रूर प्लैनेट में जो अग्रेसिव प्लैनेट है, गुस्से वाले प्लैनेट है, जला सकते हैं किसी को, ऐसा कोई प्लैनेट यहाँ पे होगा तो प्रॉब्लम आएगा। एग्जाम्पल, क्रूर प्लैनेट में मंगल ग्रह है, एक होता है मंगल, दूसरा होता है सूर्य, तीसरा होता है राहु, चौथा होता है केतु। ये 4 प्लैनेट है, मैं उसको क्रूर भी मत बोलूं, अगर क्रूर ना बोलूं, लेकिन ये 4 जो प्लैनेट है, अगर 4 में से कोई एक यहां पे आ गया या यहां पे मंगल आ गया या फिर यहां पे सूर्य आ गया या फिर यहां पे राहु आ गया या फिर यहाँ पे केतु आ गया, अगर किसी भी कंडीशन में ये स्थान में मंगल सूर्य राहु केतु, अगर ये 4 में से कोई भी एक प्लैनेट आ गया, एक से ज्यादा या एक प्लैनेट में, तो आपको पितृदोष है। मतलब अगर यहां से कोई भी प्लैनेट यहां पे आ गया तो आपको संतान से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आई होगी या आने वाली है। क्यों? ये जो हमारा है काल प्रसूप के हिसाब से, ये हमारा पेट का, ये हमारा गर्भ का हिस्सा है, अगर यहां खराब हो गया तो आपका गर्भ खराब हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में ज्यादातर 100 में से 90 कुंडली में, 100 नहीं बोलूंगा, 100 में से 90 कुंडली में ऐसी कंडीशन में मिस कैरेज होने की संभावना ज्यादा रहती है। आप किसी को भी पूछ लो, मंगल सूर्य राहु आप अपनी कुंडली में भी देख लो, अगर आपकी कुंडली में मंगल सूर्य राहु केतु, तो मैं 10 में से 8 लोगों को बोलूंगा आपको मिस कैरेज होने के चांसेस हुए होंगे या हुए होंगे, 100% मैं बोलता हूं। तो यहां जब भी कोई आएगा वो जो कुक है, जो गर्भ है, उसको जलाएगा, मतलब मिस कैरेज होने के चांसेस ज्यादा बढ़ाएगा, या कभी कभार इतनी गर्मी पेट में पैदा कर देगा तो बच्चा अब नॉर्मल ऐसी सिचुएशन आ जाएगी, पैर टेढ़ा आना, हाथ टेढ़ा आना, पैरालिसिस, ऐसी कोई भी कंडीशन सिचुएशन क्रिटिकल किसी यहां आ सकती है, मतलब यहां पितृदोष है। संतान किसी भी तरह से डैमेज होना या संतान से डैमेज होना, तो उसका मतलब ये पितृदोष है। तो 5वीं कंडीशन, आप ये 4 कंडीशन अगर आपकी कुंडली में होगी तो मतलब आपको पितृदोष है। और एक प्लैनेट है जो पितृदोष का कारण हो सकता है, या मैंने कहीं कहीं देखा है, हर जगह नहीं देखा है, लेकिन थोड़ी बहुत कुंडली में मैंने देखा हुआ है, एक होता है शनि। शनि ग्रह है वो सबसे हमारे सौरमंडल का सबसे स्लोएस्ट ग्रह है, सबसे ठंडा ग्रह है, वो है शनि। शनि को पृथ्वी का प्रदक्षिणा करने में 29 ईयर्स लगते हैं, मतलब 30 साल लगेंगे उसको पूरा करने में। अगर ये देखा गया है कि सूर्य पुत्र है, सूर्य पिता है, सॉरी सूर्य पिता है, तो शनि पुत्र है। तो अगर शनि भी किसी कंडीशन में 5वें स्थान में आ गया
तो संतान से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन यहाँ शनि संतान को खराब नहीं करेगा, शनि डिले कराएगा। शनि क्या करेगा? स्लो, मतलब यहाँ पे शनि आ गया तो आपकी संतान शादी होने के 5, 10 साल, 15 साल के बाद आपकी संतान हो सकती है। तो शनि का शनि कर्म का कारक है, शनि आपको संतान जरूर देगा लेकिन वहां डिले करवाएगा, स्लो करवाएगा। तो शनि खाली इतना काम करेगा, देगा लेकिन थोड़ा लेट करेगा। तो शनि को थोड़ा बाहर रखूं, लेकिन कहीं कहीं जगह पे शनि भी देखा गया, लेकिन ये मेन चार ग्रह है मंगल, सूर्य, राहु और केतु, अगर पांचवें स्थान में आ गए तो आपको तकलीफ, उससे प्रॉब्लम क्या होगा? तो पहले संतान तो आपकी खराब होगी, आई एग्री। तो कोई क्या बोलेगा, संतान तो बच्चे नहीं पैदा होंगे तो कुछ नहीं, हम तो क्या करेंगे भाई, हम अभी IVF आ गया, आप बोलेंगे हम लोग दत्तक पुत्र ले लेंगे, हम अनाथाश्रम में लेके आएंगे, तो हमारी संतान तो हो गई, आई एग्री, मैं मानता हूं। लेकिन यहां कंडीशन एक और होगी जो आपको जाननी चाहिए, आपको कोई नहीं बताएगा दोस्तों। यहां कंडीशन, अगर ये मेरा फर्स्ट हाउस है, ध्यान से देखिएगा, ये आपको कोई नहीं बताएगा, ध्यान से, ये आपका फर्स्ट हाउस है, ये देखो ये राशि तुला है, मैं राशि को चेंज नहीं करूं, हाउस, ये सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो ये 12th हाउस है। तो देखो यहां जो ये 11वां हाउस है, 11th हाउस है, ये हमारा 11th हाउस है, ये हमारा 11th हाउस है। 11th हाउस का मतलब 11th हाउस से क्या है, तो 11th हाउस ग्रोथ कराता है हमारा, ग्रोथ, ग्रोथ मतलब बढ़ाना, कोई भी चीज का ग्रोथ होना, मतलब पहले हमारे परिवार में 2 थे, अभी हमारे परिवार में 4 हो गए, मतलब हमारा परिवार का ग्रोथ हुआ, बढ़ाना। दूसरी इच्छा है उसकी इच्छा, इच्छा, मेरी इच्छा थी कि मुझे संतान होए और उसमें लड़का होए, ये मेरी इच्छा थी। 11वां स्थान है इच्छा, एक्सपेक्टेशन, बराबर, सीधा। ये जो भी चार प्लान है, ध्यान से देखिए, मंगल, सूर्य, राहु, केतु, सबकी सातवीं दृष्टि होती है, तो यहां पे कंडीशन क्या होगी, यहां कंडीशन ये होगी, यहां पे, यहां कंडीशन होगी, ये चारों लोग, चारों में से कोई भी यहां दृष्टि कौन से स्थान पे करेगा, 11वां स्थान में होगा। तो कंडीशन क्या होगी, आपका ग्रोथ मतलब परिवार का ग्रोथ कम हो सकता है, मतलब हम पहले शादी के बाद हम 2 हुए, आज भी हम 2 ही है, बच्चा पैदा हुआ लेकिन 18 साल 20 साल के बाद शादी की, वो अपनी वाइफ को लेके चला गया, आज भी हम 2 ही है, बेटी पैदा हुई शादी के बाद वो अपने परिवार में चली गई, आज हम 2 ही है, मतलब हमारा ग्रोथ नहीं हुआ कि मैं पहले बच्चा था, उसके बाद मेरी शादी हुई, उसके बाद मैं पिता बना, और पिता के बाद मैं दादा बना, दादा के बाद परदादा बना, ग्रोथ नहीं होगा आपका, यहाँ पे पद नहीं मिलेगा। जैसे हम बोलते मैं पहले वर्कर था, वर्कर से मैं सुपरवाइजर बना, मैनेजर बना, उसके बाद CEO बना, तो यहाँ ये ग्रोथ आपका अटक जाएगा परिवार का। दूसरा, आपकी इच्छा पूर्ण होने, देखो हर एक लोगों को इच्छा होती है, मेरी खुद की संतान हो, मेरी संतान मुझे मेरी सेवा करे, सबकी इच्छा होती है, तो यहाँ कंडीशन क्या होगी, उसकी इच्छा पूरी नहीं होगी, या फिर उसकी इच्छा के हिसाब से उनके संतान काम नहीं करेंगे, उनको सुख नहीं मिलेगा, तो उनका 11वां स्थान यहाँ पे डिस्टर्ब हो गया। दोस्तों समझ गए होंगे, वापिस एक बार रिपीट करता हूं इजीली, ये आप खुद हो, ये 5वां स्थान आपकी संतान है, अगर आपकी कुंडली में मंगल, सूर्य, राहु, केतु कोई भी प्लैनेट आएगा तो आपको पितरों से मतलब संतान से रिलेटेड प्रॉब्लम है, लेकिन आप बोलोगे नहीं हमारा तो भाई कोई ऐसा हुआ नहीं, मेरी तो संतान ऑलरेडी है, तो हो सकता है आगे जाके वो संतान आपकी इच्छा के विरुद्ध में काम करे, अच्छे आपकी इच्छा के हिसाब से काम ना करे, या आपको रखे नहीं, ऐसी सिचुएशन हो सकती है, हो सकती है। तो जब भी आपका 5वां स्थान खराब हो तो पितृदोष है, क्योंकि पितृदोष संतान में बाधा लाता है और 11वां स्थान आपकी इच्छा और ग्रोथ होने नहीं देता। दोस्तों एक कंडीशन एक और भी होगी, मैं अगर ये दूसरे तरीके से आपको पितृदोष समझाऊं, खास करके इंपॉर्टेंस दिया गया है कि राहु और केतु जब भी 5वें स्थान में, देखो यहां राहु आएगा,
पांचवें स्थान में राहु आएगा तो राहु और केतु ऑपोजिट ही रहेगा, तो केतु ग्यारहवां स्थान में आ गया। तो ग्यारहवां स्थान है इच्छा। केतु मैंने आगे काल सर्प वाली वीडियो में आपको बताया था, केतु जो धड़ है उसको अमृत नहीं मिला था, वो तड़प रहा था, तो उनको हमेशा इच्छाएं, उसका ग्रोथ में तड़प हमेशा बनी रहेगी, तड़प रहेगी उनको, यार ये होना चाहिए था, ये होना चाहिए, उसको हमेशा तड़प दिखेगी। दूसरी कंडीशन एक ये हो सकती है कि अगर यहां केतु हुआ तो यहां आ जाएगा राहु। राहु भ्रम का कारक है, तो यहां आपको भ्रम रहता रहेगा, यार मैंने तो ये कर दिया वो रहा, लेकिन होगा कुछ भी नहीं, वो आपके 11वें स्थान इच्छा को भ्रम में पैदा कर देगा। तो राहु आपका 11वां स्थान यहां खराब कर सकता है। तो दोनों, ये दोनों सिचुएशन रहेगी, मतलब ये मेन इंपॉर्टेंट है और उसके साथ ये डैमेज कर रहा है, आपकी इच्छा को डैमेज कर रहा है, आपका ग्रोथ को डैमेज कर रहा है, आपका संतान को डैमेज कर रहा है, तो आपको पितृदोष है दोस्तों। अगर फिर भी आपका कोई सवाल रहे, समझ में नहीं आए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपको बताऊंगा। अभी भ्रामकता क्या है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। लोग ऐसा बोलते हैं कि 8वें स्थान में, 6ठे स्थान में, 12वें स्थान में अगर ये प्लैनेट राहु केतु सूर्य शनि रहा, देखो 12वां स्थान आयुष्य का है, मृत्यु का है। आप 1000 कुंडली देख लीजिए, 1000 कुंडली में से आपको 990 कुंडली में यहाँ पे प्लैनेट मिलेंगे ही मिलेंगे ये प्लैनेट। तो क्या 990 लोगों को पितृदोष है, खाली 10 लोग ही सावकार है? तो ये कंडीशन थोड़ी है, क्योंकि प्लैनेट तो घूमते रहते हैं, वो प्लैनेट कहीं पे आएंगे। दूसरी एक कंडीशन होती है, कई लोग बोलते हैं भाई शनि कहीं भी शनि और राहु हो तो पितृदोष लगता है दोस्तों, नहीं, इसको श्रापित दोष बोलते हैं। आने वाली वीडियो हमारी ये भी रहेगी, श्रापित दोष से होने वाले फायदे और नुकसान दोनों बताऊंगा आपको। कई लोग बोलते हैं भाई अगर यहाँ राहु नहीं होगा लेकिन केतु भी होगा तो भी पितृदोष लगेगा, नहीं लगेगा दोस्तों, ये भी नहीं लगेगा, श्रापित दोष है दोस्तों, इसका भी मैं वीडियो बना रहा हूँ। कई लोग बोलते हैं कि भाई सूर्य के साथ अगर शनि के साथ अगर बुध आ गया या फिर सूर्य आ गया तो भी पितृदोष लगेगा, तो यहाँ पितृदोष नहीं लगेगा। हाँ, ये भी मैं मानता हूँ कि सूर्य और शनि किसी भी 12 हाउस में एक साथ आ गए तो उनके पिता के साथ थोड़ी अनबनाव हो सकती है। सूर्य पिता है, शनि चाइल्ड है, उसका बेटा है, तो भाई जब सूर्य शनि ये करेगा तो उसके पिता और पुत्र में जो ट्यूनिंग रहनी चाहिए वो ट्यूनिंग यहाँ डिस्टर्ब हो सकती है, लेकिन पितृदोष नहीं हो सकता दोस्तों। पितृदोष का एक ही कारण है, कोई युति नहीं है, किसी युति से पितृदोष नहीं लगता है। पितृदोष आपका 5वां स्थान खराब हुए, या फिर अगर 5वां स्थान खराब नहीं हो रहा है आपकी कुंडली में लेकिन फिर भी आपको संतान से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो दोस्तों आपको पितृदोष है। कई बार टाइम में प्रॉब्लम आ जाता है, अगर 5-10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा लेट हो तो भी यहाँ से प्लैनेट आगे पीछे आपकी कुंडली में होंगे। आपको यहाँ पे कोई प्लैनेट नहीं देंगे फिर भी संतान से रिलेटेड प्रॉब्लम, तो आपको पितृदोष होंगे, आपको वो चेक करवाना पड़ेगा। पितृदोष की यही कंडीशन है 5th हाउस दोस्तों। तो दोस्तों पितृदोष के बारे में कई सारी भ्रामकता है, लेकिन मैं एक कुंडली का थोड़ा एनालिसिस करके बताता हूँ आपको। एक कुंडली है मेरे पास कि पितृदोष कैसे लगता है। तो यहाँ मेरे पास एक कुंडली है और कुंडली पे यहां आप नाम पढ़िए दोस्तों, ये आदमी नरेंद्र मोदी है, हमारे देश के प्रधानमंत्री, 2 बार प्रधानमंत्री। देखो आप देखिए, मैंने मंगल दोष में भी उनकी कुंडली ली थी, मैंने काल सर्प दोष में भी उनकी कुंडली ली है, मैंने मंगल दोष में भी उनकी कुंडली एग्जाम्पल में ली थी, मैंने काल सर्प दोष के अंदर भी उनकी एग्जाम्पल ने कुंडली ली थी। आप देखो पितृदोष में भी मैंने उनको कुंडली दी। अभी ये आदमी इतने साले दोष है लेकिन उसका पद तो देखो, हमारे इंडिया का सर्वोच्च पद मिला है उसको, लेकिन मैं बोलता हूँ वही देखो उनको यहाँ पे, ये उसका जो लग्न है और आठवीं है वृश्चिक राशि है, यहाँ पे वृश्चिक राशि है लेकिन हाउस ये 1st हाउस ही है। तो 1st हाउस, 2nd हाउस, 3rd हाउस, 4th हाउस और 5th हाउस। देखो आप ये 5th हाउस में देखो, 5th हाउस में देखोगे तो यहाँ आपको राहु की उपस्थिति मिलेगी। देखो आप जानते होंगे नरेंद्र मोदी को कोई भी बच्चे नहीं है,
संतान का सुख, मैं ऐसा नहीं बोलता उसके लिए उनके जीवन में कुछ प्रॉब्लम आया, लेकिन उन्होंने देश सेवा के लिए अपने को भले समर्पित किया हो उससे मुझे कोई लेना नहीं, लेकिन उसको संतान का सुख। आज दुनिया का हर एक बाप ऐसा चाहता है, चाहे वेस्टर्न कल्चर में भी चले जाओ, उसकी संतान हो और उनका ग्रोथ आगे बढ़े, लेकिन यहाँ राहु के आने से उनका ग्रोथ अटक गया है। मतलब अगर नरेंद्र मोदी जिस दिन नहीं रहे तो उसकी नरेंद्र मोदी की पीढ़ी आगे नहीं चलेगी, क्योंकि यहाँ पितरोस देखा गया है दोस्तों। लेकिन पितरोस के वजह से ना ही उसको बिजनेस में, ना ही उसको पॉलिटिक्स में, ना ही किसी चीज में उनको कोई भी तकलीफ नहीं पड़ी। पितरोस के वजह से उसको संतान नहीं हुई। दोस्तों मैं यही कहना चाहता हूँ कि भाई ऐसा नहीं, अब अगर मैं अगर ये एक उंगली अगर नरेंद्र मोदी की ना बोल देता और किसी को बोलता है भाई ये पितरोस के, तो भाई आपको मान सम्मान नहीं मिलेगा, आपका धंधा नहीं चलेगा, आपको तकलीफ हो जाएगी जीवन में, ये हो जाएगा। दोस्तों 800 करोड़ के प्लेन में बैठता है ये राजे जैसा जिंदगी जी रहा है, उसको क्या बोलोगे तकलीफ है। लेकिन एक तकलीफ है संतान की, भले वो नहीं बोल रहे हो लेकिन कहीं कहीं ना दिल में उसको ऐसा होता है कि भाई मेरी एक संतान होती। फिर भी ऐसे लोग देश सेवा के लिए आते हैं तो उससे हमको कोई लेना देना नहीं, लेकिन उसके जीवन में पितृरोष है इसीलिए उसको संतान की प्राप्ति नहीं हुई, चाहे सिचुएशन कुछ भी हो कि भाई उन्होंने पैदा नहीं किए क्या कुछ भी हुआ, लेकिन सिचुएशन ऐसी बनाई कि उसको वो जगह पे लेके जाने था, इसीलिए उसकी कुंडली में पितृरोष आया, मंगल दोष आया, काल सर्प दोष आया। देखो मैं आपको दिखाना यही चाहता हूँ, इतने सारे दोष के बाद भी आदमी नरेंद्र मोदी बन सकता है एक चाय वाला, मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ। तो कभी भी कोई भी दोस्त आपकी कुंडली में होगा तो डरिए मत, उसको सही आदमी के पास, पढ़े लिखे एस्ट्रोलॉजर के पास आप जाइए और अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाइए, और उसका जो कुछ होगा, जो कुछ रेमेडी होगी या जो कुछ विधान करवाना पड़ेगा, आप किसी पढ़े लिखे के पास आप जाओ, वो आपको उसका सही विधान पहले तो सही एनालिसिस करेगा। देखो रेमेडी इंपॉर्टेंट नहीं है, विधान इंपॉर्टेंट नहीं है, एनालिसिस करना इंपॉर्टेंट। अगर कोई डॉक्टर रिपोर्ट सही पढ़ ही नहीं पाया, उसको मालूम नहीं भाई इसको शुगर है कि नहीं है, तो जाके घर पे वो गुलाब जामुन खाएगा, मिठाई खाएगा, तो डायबिटीज़ बढ़ जाएगा। कंडीशन क्या है, आप पहले रिपोर्ट एनालिसिस कराओ। और किसके पास रिपोर्ट एनालिसिस करना चाहिए, अगर मुझे कुछ प्रॉब्लम जाएगा मैं एमडी के पास जाऊंगा, मैं किसी दूसरे के पास नहीं जाऊँगा, मैं एमडी के पास या एमबीबीएस के जाऊँ, बीएचएमएस के पास मैं नहीं जाऊँगा, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम, मेरी आँख को प्रॉब्लम आया तो मैं ई स्पेशलिस्ट के पास जाऊँगा। तो आप भी जब भी कुंडली का एनालिसिस स्पेशलिस्ट के पास जाइए, फोटो में आते हैं वो नहीं, बड़ी बड़ी माला, बड़ा बड़ा हाथों में अवार्ड होंगे वो नहीं, सही में जिसको नॉलेज है, जिसको अनुभव है, उसके पास आप एनालिसिस करवाए, आपके जीवन के हर एक प्रॉब्लम वो दोष में नहीं निकालेंगे, पर ये दोष नहीं, आपकी ये गलती की वजह से आपको ये प्रॉब्लम है, ये गलती सुधार लो, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। एक और कुंडली मैं लेके आ रहा हूं आपके पास, ये है लता मंगेशकर। ये इंपॉर्टेंट था, ये कुंडली लाना मेरे लिए इंपॉर्टेंट था, क्यों था, तो यहाँ भी कुंडली मेरा जरा वीडियो बहुत लॉन्ग हो रहा है दोस्तों, तो इसके लिए मैं आपको दे रहा हूँ। ये उनका मिथुन लग्न है, फर्स्ट हाउस, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ हाउस। देखो फिफ्थ हाउस में केतु और मंगल दोनों थे और दोनों की दृष्टि भी यहाँ थी और यहाँ भी राहु बैठा था, इसीलिए संतान का उनके जीवन में प्रॉब्लम था और नहीं हो पाए, संतान का सुख नहीं मिला। हमको कहते हुए दुख होता है कि अभी थोड़े टाइम पहले ही उनका डेथ हो गया, अभी उसके वारसदार, उसकी संतान कोई नहीं है। ठीक है दूसरे परिवार उनके होंगे लेकिन उसकी संतान कोई भी नहीं है दोस्तों। तो यही था पितरोस के बारे में मुझे आपको कहना। तो दोस्तों ये था हमारा पितरोस का विवरण दोस्तों। अभी हम नेक्स्ट जो वीडियो लेके आ रहे हैं वो पितरोस के ऊपर ही है कि पितरोस किस किस कंडीशन में लगता है, और उसके बहुत सारे मेरे पास डेटा है और ये डेटा लाइव क्लाइंट के है, तो मैं लाइव क्लाइंट की कुंडली आपको देके उसका एनालिसिस करूँगा। मेरे पास कम से कम कई सारी कुंडली है लेकिन मैंने इसमें इम्पोर्टेंट कुंडली को लेके आपके पास मैं लेके आऊँ और उसी के अंदर आपको उसका विधान या उसका उपाय या उसका रेमेडी भी बताऊंगा दोस्तों। तो दूसरे वीडियो के लिए आप वेट एंड वॉच। तो दोस्तों पितृरेश के बारे में मैं आपको बताया फिफ्थ हाउस से रिलेटेड, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में लग सकते हैं। अगर आप एनालिसिस नहीं कर पा रहे तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, हमारे हर सिटी के अंदर हमारे 3D एक्सपर्ट है, हम उसके पास आपका कुंडली का एनालिसिस करवाएंगे दोस्तों। अगर आपने हमारी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर लिया दोस्तों अभी तक कर लो, क्योंकि हमारा नेक्स्ट कोर्स जल्दी आ रहा है, उसमें आपको उसका पूरा नॉलेज मिल सकता है। तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कर दीजिए और कॉमेंट कीजिए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।